अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका कॉमिक मैन। आज मैं सेल्फी के साथ वीडियो नहीं बना रहा हूं, मगर डे फोर मेरा कराची में कुछ ऐसा गुजरा कि मैं गया कुछ एरियाज जैसे कि तारिक रोड, राबी सेंटर और मिलेनियम मॉल। ऑब्वियसली वहां जाके मैं वीडियो बना नहीं सकता बिकॉज इट्स क्वाइट यू नो मतलब रिस्की आजकल मोबाइल लेके जाना। ये देख रहे हैं आप, गाड़ी आप पार्क हुई हैं यहाँ पर, तमीज़ से गाड़ियाँ पार्क हुई हैं पूरा इस एरिया में, टोटली पार्क पीसफुली यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे कोई किराया नहीं देना पड़ता आपको। मगर अगर आप जा रहे हैं किसी कमर्शियल एरिया में, किसी भी कमर्शियल प्लेस, चाहे वो तारिक रोड हो, मिलेनियम मॉल हो, साइमा मॉल हो, कितने मॉल्स हैं यहाँ पे, जितने भी मॉल्स हैं यहाँ पे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि हर जगह पे टैक्स देना पड़ रहा है। कैसा टैक्स? वो आपको पर्ची थमा देंगे, ये लीजिए पर्ची, और 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। मतलब आप वहाँ पे गाड़ी पार्क करो, आप उनके एरिया में, उनके प्लॉट में पार्क कर रहे हो गाड़ी, बट वेर यू कैन सी के आप वहाँ पे भी आपको 50 रुपये देने पड़ रहे हैं। किसी ने 100 रुपये लगाए हुए, किसी ने 50 लगाए हुए। हाँ, वैले पार्किंग इज़ फाइन। देखिए कैसे सिस्टमेटिक यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की, इधर के कोई चार्जेस नहीं क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया, बट कमर्शियल एरिया में ये धंधा बन चुका है। बत्था बोलेंगे, इट्स वेरी मच यू नो हैपनिंग इन कराची। वैसे ही कराची खुदा हुआ है, इतना खुदा हुआ है कराची कि मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो तो आप डर के पागल हो जाओगे। मगर ओवरऑल जो इश्यूज़ हैं यहाँ पे, वो है पार्किंग से लेके सब इश्यूज़ हैं यहाँ पे। मतलब आप, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे फेस कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। और सेकेंडली, किसी भी कमर्शियल एरिया में आप चले जाएँ, वहाँ पर आपको पार्किंग का इशू होगा, और अगर पार्किंग का इशू नहीं होगा तो वहाँ पर उन्होंने पर्ची लगाई होगी, और वो पर्ची आपको पे करनी है। थोड़ा मुँह मारी होगी तो आप नहीं पे करो, आपकी मर्ज़ी, मगर आपको पर्ची पे करनी है। कराची का ये एक बड़ा इशू है पार्किंग का, कमर्शियल एरियाज़ में, और रेजिडेंशियल में भी होगा, बट इन आर एरिया इट्स गुड, यू कैन सी इट्स वेरी मच पीसफुल एंड वेरी गुड, बट ओवरऑल थिंग्स आर नॉट गुड एज वेल फॉर पार्किंग। और ये बड़ा बेसिक होता है पार्किंग, ऐसे आज में भी पार्किंग के इशूज़ हैं कुछ एरियाज में, बट इफ यू टॉक अबाउट कराची में रेजिडेंशियल एरिया में भी इशूज़ हैं और कमर्शियल एरिया में इशू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है जो मैं डे फोर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें मेरे चैनल को। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, शेयर योर एक्सपीरियंस इन कराची इफ़ यू आर विजिटिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया और एनी वेयर फ्रॉम द अराउंड। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।